कोई बात करे है बरसों की, कोई सोच रहा कल परसों की, पर भाई मेरे सच तो है ये, ना कल का पता ना पल का पता, ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की, फिर सोच रहा क्यों बरसों की, कोई बात करे है बरसों की, कोई सोच रहा कल परसों की, पर भाई मेरे सच तो है ये, ना कल का पता ना पल का पता, ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की, फिर सोच रहा क्यों बरसों की। चलता है बचपन, अभी लॉकडाउन में बंद है, तो आप लोग किस प्रकार का समय को काटते हैं या मानव सेवा के लिए निकलते हैं आप लोग? हमारे समाज में, हमारे धरती पर, हमारे विश्व में उस हिसाब से वो काबिले तारीफ है, और ऐसे ही लोग धरती को बचाने के लिए निकले लोग। ये सेवा शिविर जब 28 मार्च से शुरू हुआ तो यहाँ बहुत से लोग हमारे सेवा शिविर में हमारा यह सेवा कार्य देख के जुड़ गए, जिसमें आज हमारे सेवा शिविर में मिथिला महिला मंच की रूपा जी, गुड्डी जी, किरण बाला झा जी सब आए और इस सेवा शिविर में अपना श्रम योगदान भी दिए और कुछ सहयोग राशि भी इस सेवा शिविर को दिया। बैद्यनाथ में मिथिला मंच से कितने लोग आए थे आपकी टीम में यहाँ पे? मिथिला मंच से तो दो महिला आई हुई थी। दो महिला आई थी, महिला लोग को मैं देख रहा था कि काफ़ी सहयोग भी कर रहे थे आपके वितरण में। रूपा जी और गुड्डी जी। जी, आप जो लंगर आपका चल रहा है ये क्या सुचारू रूप से चलेगा या फिर 15 के बाद आपका स्थगित होने वाला है? देखिए, ये सेवा शिविर का सारे मेंबर हम लोग फिर बैठेंगे और बात विचार करेंगे, उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम हम लोग। आज का कितने लोग लगभग आए हैं आपके पास? प्रत्येक दिन 2000 से ऊपर ही आ ही रहा है, अब देख ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? आप लोग सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर लॉकडाउन का डेट बढ़ता है तो कुछ ना कुछ सहयोग करें।